मानो नहीं, बोलो हेलो गाइस, बोलो गाइस। कैसा है कबीरू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप मजे में? कंकाल खाएगा। ये मम्मी बना रही है भाई बाजरे की रोटी, यक्ष के लिए, विदुर के लिए। घी तैयार है और चटनी भी तैयार है, प्याज वाली, जो इसके साथ में खाई जाती है। एक्चुअली इसके साथ वो रही जो तू बनवाई थी दादी से। ये देखो जी, इसके साथ में ये वाली चटनी खाते हैं। ये नॉर्मल चटनी है, ये बाजरे की रोटी है, ये प्याज टमाटर की चटनी है, जो वो पत्ते वाले प्याज होते हैं ना, वो है। ये मम्मी बना रही है, यक्ष और विदुर खाएंगे। देखो जी, पूरा सर्दियों का यही है हमारा जो खान पान है, बड़ी ले ले बेटा ना, बस सर्दियों का खान पान यहाँ पे रख दो साइड में। देखो जी, ऐसे खाई जाती है हरियाणा में बाजरे की रोटी। आओ इधर, अपना खाना लेके जाओ। तो अरे ये देखो जी, हमारा ये हमारा किचन है। ये तभी कहा जाता है हरियाणा का जो खाना है ये है, इसलिए सब लोग कहते हैं ना हरियाणवी क्या खाते हैं, ये खाते हैं वही हरियाणवी। सर्दी में फुल खा पी के मोटे हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं। मोटे तो खैर नहीं होते इतने तगड़े। देखो ऐसे बनाते हैं इस रोटी को। इस रोटी को चकला बेलन से नहीं बनाया जाता, हाथों से बनाया जाता है। मम्मी रोटी बना रही है क्योंकि मुझे भाई आती नहीं है, मम्मी बनाती है सबके लिए ना बाजरे वाली रोटी। हाँ, अभी थोड़ी सर्दी कम होएगी तो फिर मम्मी चूल्हे पे बनाएगी, जब यक्ष के चाची चाचू आ जाएंगे ना, फिर सब लोग बाहर चूल्हे पे बैठ के रोटी खाते हैं। ये देखो जी, ये कबीर हमारा बदमाश बच्चा है बहुत, टीवी किसी को देखने नहीं देता, रिमोट भी छिपा के आ गया ये, है ना कबीर बदमाश। हेलो गाइस बोलो। अच्छा बोलो कबीर। हेलो गाइस, मेरे कपड़े पकड़ के खींच के लेके जा रहा है ये। लाइक करना, सब्सक्राइब वो तो बोला। अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बोलो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। मुझे, मैं ये खाऊंगी कढ़ी और ये चाय। क्या है कि हम लोग हरियाणा में ना बहुत ज़्यादा पकवान हम लोग नहीं बनाते, सिंपल और सादा खाना खाते हैं। किसके साथ खाए हो? मैं कढ़ी के साथ खा रही हूँ बेटा। ये देखो, कढ़ी, रोटी, घी, चटनी, इसमें परम आनंद, खाने का परम आनंद है। ये देखो, ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो है ये होती है, इसी का ही पनीर बनता है। इसी का पनीर नहीं, ये खीस है, जैसे भैंस। हाँ, पर हम लोग इसका पनीर बनाते हैं। हाँ, कभी कभी हम इसका पनीर भी बना लेते हैं, लेकिन ये खीस है, ये इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, मतलब एक्चुअल में जो ताकत वाली चीजें हैं ये उनमें से एक है। ये हमारा खीस बनने वाला है, इसको जैसे बिहार में कई जगह इसको छेना भी कहते हैं, लेकिन वो फाड़ के आर्टिफिशियली बनता है। लेकिन ये क्या है कि जैसे भैंस क्या बच्चे को जन्म देती है तो उसके कितने दिन तक रहता है मम्मी? ये 10 दिन तक जो दूध निकलता है ना उसको गर्म करने पर ऐसा बनता है। जिसको नहीं पता वही उसके लिए बता रही हूँ, जो तकरीबन मोस्टली सबको पता ही होगा, लेकिन जो गांव गांव में नहीं रहे। ये देखो, यक्ष की विदुर की मौज हो रही है। ये देखो, ये मम्मी ने निकाला हुआ खोआ, ये यक्ष के लिए बन रहे हैं लड्डू। लड्डू बनेंगे या पेड़े बनेंगे देखते हैं,
ये प्योर खोआ है, इसके अंदर मम्मी मिला देगी थोड़ी सी खांड, तो ये लड्डू इसके लिए मतलब अच्छा होंगे। दूध से बनाया हुआ है, गाजर का हलवा बना रहे थे उस टाइम पे निकाला था। हाँ ये चलो जब ये बन जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी मैं। यक्ष के लिए तो यक्ष की मौज होगी भाई सबसे ज्यादा खाने पीने का। ये देखो कबीर की भी मौज हो रही है। कबीर आ यहाँ आओ। कबीर कबीर नहीं आएगा भाई। ये देखो मम्मी ने खाने का सामान देखो कितना बना रखा है। ये लड्डू बना रखे हैं भाई, ये पूरे बिल्कुल किसके बनाए हो? खोए वाले है। ये बहुत नरम है, ये देखो थोड़ा सा ऐसे दबाते ही टूट जाते हैं, बहुत नरम है। और ऐसा नहीं कि थोड़े बनाए हुए हैं, काफी सारे बनाए हुए हैं। गाजर का हलवा बना हुआ है, ये देखो ये यक्ष का सामान तैयार हो गया। यक्ष की फुल खातिरदारी हो रही है। खातिरदारी तो होगी, 10 महीने बाद घर आ रहे हैं। हाँ खातिरदारी गाड़ी। ये देखो जी अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना, अब इसके बन जाएंगे पेड़े। पेड़े विदुर यक्ष के लिए। विदुर भी खाता है, विदुर को बहुत मीठा पसंद है। विदुर तो जब कहा है लड्डू पे पूरा ध्यान दिया हुआ है, सुबह उठते ही लड्डू दे दो दादी। गाजर पाक ये देखो भाई, अभी गाजर का हलवा आ रहा है, आप देखना जरा खा लिया। मैं तो भाई मुझे डर लगता है फैट से, अब लगने लगा। ये मम्मी ने पूरा भर रखा था, ये हम लोग लगे हुए हैं, आए हैं तब के खाने में लगे हुए हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मुझे गाजर का हलवा या तो मम्मी के हाथ का पसंद आता है या फिर मेरी मम्मी के हाथ का पसंद आता है। ये देख लो इनके काम, यक्ष भी बच्चा बन जाता है इनके साथ में। ये देखो हाँ हाँ बेटा, अरे भाई इसको चलाने दो कबीर को। ये लो जी पेड़े तैयार हो गए हैं अपने यक्ष के लिए, रेडी हैं। और अभी यहाँ मम्मी बना रही सब्जी, आलू गोभी की, बंद गोभी। वहाँ पापा चाय पी रहे हैं।